तो हॉनर ऑफ किंग्स जो कि आर्टिकल एंड न्यूज़ के हिसाब से 28 जून तक ग्लोबल रिलीज हो जाना था, बट ये गेम हमारे प्ले स्टोर पर अभी तक शो नहीं हो रहा है। एचओके इंडिया के ऑफिशियल पेज पे 30 मार्च को एक ऑफिशियल पोस्ट डाली जाती है जो कि हम लोगों के लिए एक होप से बढ़कर थी। अब जो लोग भी ये बोलने वाले हैं कि भाई वो ऑफिशियल पेज नहीं है बल्कि फैंस के द्वारा बनाया गया एक फेक पेज है एचओके का, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, उन लोगों ने जो पोस्ट डाली है उसमें भी उन लोगों ने COT और बगल में HOK लिखा है, यानी कि क्लैश ऑफ टाइटन हॉनर ऑफ किंग्स पे चेंज हो रहा है। और ये जो पेज था सबसे पहले बनाया गया था क्लैश ऑफ टाइटन के लिए, इस पेज में सबसे पहले क्लैश ऑफ टाइटंस की पोस्ट वगैरह डाली जाती थी। इस इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पहली पोस्ट जो की गई थी वो की थी 21 मार्च 2021 को, जब एरिना ऑफ वैलोर इंडिया के लिए एक क्लैश ऑफ टाइटन करके गेम लॉन्च कर रहा था जो सिर्फ इंडिया रीजन के लिए था। और जितने भी AOV लवर्स स्टार्टिंग से क्लैश ऑफ टाइटन को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि एक ऑफिशियल टूर्नामेंट भी अनाउंस किया गया था एंड वो हुआ भी था, तो उसकी भी जितनी भी पोस्ट थी वो तुमको इनके इस वाले इंस्टाग्राम प्रोफाइल में दिख जाएगी। अब COT इंडिया के लिए था तो इसको HOK में कन्वर्ट किया जा रहा है गेम को, तो इस प्रोफाइल का नाम भी चेंज करके रख दिया गया है HOK इंडिया। अब प्रूफ वगैरह की बात करें तो बहुत से बंदों ने लॉन्च डेट के बारे में उसी पोस्ट के नीचे भाई देखोगे तो कितने सारे कमेंट आ रखे थे, एंड जितने भी बंदों को रिप्लाई मिला उसमें सिर्फ एक ही डेट मेंशन था 20 जून। बट उसके बाद अभी रिसेंटली तुम जाके जो लेटेस्ट कमेंट है चेक करोगे भाई बंदे पागल हो गए कमेंट कर करके, लेकिन वहां पे एक भी रिप्लाई हम लोग को नहीं मिल रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात पे आते हैं, तो यूट्यूब पर एक लाइफ ऑफ मोबा करके यूट्यूबर है जो कि ऑलमोस्ट डेली हॉनर ऑफ किंग्स ही स्ट्रीम करते हैं और वो एक इंडियन स्ट्रीमर है। तो इन्होंने 20 जून को जो ग्लोबल रिलीज होने वाला था उसके रिलेटेड डायरेक्ट इन्होंने HOK के कस्टमर सर्विस वालों से कॉन्टेक्ट किया एंड उन्होंने उन लोगों से पूछा कि क्या सही में 20 जून को ये गेम इंडिया में भी रिलीज होगा। तो थैंकफुली सामने वालों का रिप्लाई भी आता है, यानी कि ऑफिशियल HOK वाले रिप्लाई करते हैं, और उन्होंने रिप्लाई में क्या बताया मैं तुमको बताता हूँ। डियर प्लेयर, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू HOK प्लेयर सपोर्ट सेंटर, इट विल बी अ प्लेजर टू असिस्ट यू। एट प्रेजेंट वी आर नॉट प्लानिंग टू लॉन्च द गेम इन इंडिया ऑन June 20th। वी कंटिन्यू टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज टू ब्रिंग हॉनर ऑफ किंग्स टू मोर रीजन्स एंड कंट्रीज। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू अवर गेम। ऑल राइट, तो इन लोगों ने अपने रिप्लाई में क्लियरली बता दिया कि 20 जून को गेम ग्लोबल रिलीज तो होगा बट इंडिया में नहीं। इंडिया में वो लोग बहुत ही जल्द लॉन्च करने की कोशिश करेंगे एंड वो कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं लॉन्च करने का। और ऐसा भी नहीं है कि ग्लोबल रिलीज होने पर सारी ही कंट्रीज में हो गया, इंडिया के साथ साथ बहुत से रीजन है जहाँ पे अभी भी गेम अवेलेबल नहीं है। रीजन है क्योंकि भाई चाइना के जानते हो कि लेवल इन्फिनिट एंड टीमी स्टूडियोज इस गेम के मेन पब्लिशर एंड डेवलपर्स हैं, तो उनके साथ थोड़ा चाइना वाला सीन है और चाइना के साथ थोड़े इंडिया के रिश्ते नाते ठीक ठाक नहीं है स्पेशली गेमिंग कैटेगरी में। एंड एज यू नो BGMI भी 3 बार बैन हो चुका था, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि सिक्योरिटी को लेके इंडिया काफ़ी ज़्यादा अवेयर है एंड किसी भी गेम को ऐसे अननेसेसरी तरीके से लॉन्च नहीं होने दे रहे हैं। वो बात अलग है कि मोबाइल लेजेंड्स पता नहीं कैसे एंट्री कर लिया, बट कोई ना, हॉनर ऑफ किंग्स एक ऑफिशियल तरीके से एंट्री लेगा क्योंकि सस्पिशियस तरीके से अगर घुसेगा तो उसको बैन होने से कोई नहीं बचा सकता। और अगर वो परमानेंटली एक अच्छे तरीके से लॉन्च होता है तो ई स्पोर्ट्स के जितने भी कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उन लोगों के लिए भी एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि एक थर्ड पार्टी तरीके से लॉन्च हुए गेम में अपना करियर लगाना, टाइम देना, कॉन्टेंट क्रिएशन करना थोड़ा सा एक ऐसा टेम्परेरी चीज़ हो सकता है। लेकिन अगर वही एक ऑफिशियल पब्लिशर के साथ पूरे अप्रूवल के साथ अगर गेम आता है तो वहाँ पे हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब तुमको पता है कि बहुत सारे गेम्स थे जो अभी तक प्री रजिस्ट्रेशन पे पड़े हैं, लाइक मैं बात करूँ लीग ऑफ लेजेंड, भाई मैंने 9th में उसको प्री रजिस्टर करके छोड़ा था एंड अब मेरा कॉलेज भी खत्म होने वाला है बट वो गेम अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। बट HOK अभी उसने बोला है कि कंटिन्यूसली वो लोग ट्राई कर रहे हैं लॉन्च करने की, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आफ्टर 6th मंथ, भाई 6 मंथ तो नॉर्मल है, अगले साल हो सकता है, क्योंकि यार तुमको पता है कि एक कंपनी वो लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं क्योंकि गेम ग्लोबल लॉन्च हुआ है, बहुत सारे बग लीजेस होंगे सर्वर में, तो सब कुछ मेंटेन करना प्लस भाई नई चीज़ों में थोड़ा सा दिमाग नहीं लग पाएगा उनका, तो लाइक टाइम तो काफ़ी लगने वाला है।
बट हाँ, तुम एक चीज़ कर सकते हो, ग्राइंड करते रह सकते हो गेम को, बट सीरियस मत करना। हालांकि बहुत सारे मोबा गेम्स अभी भी इंडिया में अवेलेबल है, तो तुम लोग उनको ट्राई दे सकते हो। और हाँ, थोड़ा सा और डिटेल में जानना है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें HOK के बारे में, रिलीज़ के बारे में तो थोड़ा सा गलत ही बोला है इस वीडियो के हिसाब से, बट उसके वर्जन वगैरह एंड किस तरीके से चीज़ें रिवॉल्व हुई हैं उसके अराउंड, उसमें अच्छे से बात किया। तो आई होप तुमको ये ऑफिशियल रिप्लाई पता चल गया होगा। और जिनकी भी मैंने स्क्रीनशॉट यूज़ किया है लाइफ ऑफ मोबा, उनकी उनको मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा। प्लस तुम जाके उनकी कम्युनिटी पोस्ट में डिटेल में पढ़ सकते हो, उन्होंने डिटेल में सारी चीज़ें वहाँ पे समझा रखी हैं। तो वीडियो मैंने लंबी खींच दी, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।